हेलो कैंसर, कैंसर यानी कर्क राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूं आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो आपका रिसेंट पास्ट जो अभी अभी बीता है वो कैसा रहने वाला है, जो करंट एनर्जी आपकी चली हुई है वो कैसी रहने वाली है, और नियरेस्ट फ्यूचर जो आपका 19 जनवरी से 25 जनवरी के लिए होगा वो कैसा रहने वाला है, या कह सकते हैं कि ये सप्ताह आपका कैसा रहने वाला है। और ये एक जनरल रीडिंग है, जैसा कि आप जानते हैं ये सब पर 100% रेजोनेट नहीं होती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती हैं, क्योंकि एनर्जी चेंज होती रहती हैं, तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, यूनिवर्स से पूछते हैं कि आपका आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज। कैंसर यानी कर्क राशि के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा रहने वाला है। आपका पास्ट जो अभी अभी बीता है, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, और फ्यूचर जो आने वाला है, इन द और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो गाइडेंस के लिए आए हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, कंफ्यूजन, परेशानी, दिक्कत। आप पास्ट में काफ़ी कंफ्यूज्ड रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर काफ़ी परेशानी में रहे हैं, काफ़ी दिक्कत में रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग करते रहे हैं, आपने अपने मन को शांत नहीं किया और आपने ओवर थिंकिंग करके जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, काफ़ी गंभीरता से सोच रहे हैं, काफ़ी आप परेशान हो चुके हैं, काफ़ी आप टूट चुके हैं, और आपने अपने आप को खुद ही आठ आठ जो ये स्वॉर्ड्स दिख रही है उनके बीच में कैद करके रख लिया है, या कह सकते हैं कि आपने अपने आप को कन्फ्यूज़न में खुद ही डाला हुआ है, खुद ही आपने अपना कन्फ्यूज़न, काफ़ी परेशानी, जो आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं उसमें आपने खुद ही डाला हुआ है। तो अगर आप शांत मन से बैठकर सोच समझकर इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से बाहर निकलते हैं, तो आप इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकल सकते थे, इस क्योंकि आप जो आपने आँखों पर पट्टियाँ बांधी हुई थी, अगर आप इसको खोलकर अपने मार्ग पर चलते और थोड़ा सा शांत मन से सोच समझकर आगे कदम बढ़ाते, तो इस परेशानी, इस दुविधा से आप छुटकारा पा सकते थे। लेकिन आप ओवरथिंकिंग करते रहे, बार बार एक बात को लेकर सोचते रहे जो आपको परेशान कर रही थी, तो इसी वजह से पास्ट में आपने काफ़ी परेशानियों को, काफ़ी दुख तकलीफ़ों को झेला है, और अपने आप को बंधा महसूस किया है कि आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं, काफ़ी हताश हो चुके हैं, काफ़ी टूट चुके हैं। तो इन सब से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत थी, तो किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी परेशानी में रहे हैं। अब देखते हैं कि आपकी जो करंट एनर्जी है वो क्या बता रही है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, तो हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, जो तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस रिज़ल्ट की आप वेट कर रहे हैं, लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, वो समय अभी आपके फेवर में नहीं है, वो समय उचित समय उस चीज़ के लिए नहीं आया है। आप रिजल्ट जैसा चाहते हैं, पॉजिटिव चाहते हैं, रिजल्ट आपके फेवर में आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको उस चीज़ के लिए, उस काम को करने के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा अपने आप को शांत रखिए, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न से बाहर आइए, और उचित समय आने का वेट कीजिए, रिजल्ट आपके साथ होगा, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा होगा, आप उसमें कामयाब हो सकते हैं, तरक्की आप ज़रूर करेंगे, कामयाब होंगे, लेकिन अभी सही समय नहीं है, तो आपको थोड़ा सा और इसमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है, आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। आपको तीन दिन से, या कह सकते हैं कि तीन सप्ताह तक का समय भी अभी और लग सकता है इस काम को पूरा होने में, तो कई बार तीन महीने का भी टाइम लग सकता है। तो जो हो सकता है कि आप पासपोर्ट वीज़ा के लिए जो आपने अप्लाई किया था, तो उसका आपको समय रहते रिजल्ट नहीं मिला,
लेकिन आने वाले समय में रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। रिसेंट जो फ्यूचर है, जो नियरेस्ट आपका फ्यूचर है, आप अपने आप को काफी खुश महसूस करने वाले हैं, फुलफिलमेंट अपने आप को रखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपने आप को खुश रखने की ज़रूरत है, और अगर आप अपने आप को खुश रखेंगे तो दूसरे लोग भी आपको खुश लगेंगे, दूसरा जिसके साथ भी आप बातें करेंगे वो भी, सामने वाला भी आपको खुशी खुशी या प्रसन्न दिखाई देगा। तो और जो आप ओवर ड्रिंकिंग करते हैं, आपको उनसे थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आप ओवर ड्रिंकिंग करेंगे तो थोड़ा सा आप अपनी सेहत को ख़राब कर सकते हैं। तो आप जो आपका फ्यूचर आने वाला है उसमें ओवर ड्रिंकिंग मत कीजिए, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो सकती हैं, चाहे पानी हो सकता है या दूध हो सकता है, कोई भी लिक्विड से रिलेटेड चीज़ें आप उसमें ओवर ड्रिंक मत कीजिए। थोड़ा सा कंट्रोल में रहकर पिए, क्योंकि वो चीज़ें आपकी हेल्थ पर प्रभाव डाल सकती हैं, आपको आपका जो ये आपको दुविधा दे सकती हैं, परेशानी दे सकती हैं, पेट से रिलेटेड परेशानी आपको हो सकती है। तो ओवर ड्रिंक करने से आपको बचने की ज़रूरत है, और आपको अच्छे लोगों के साथ बैठने की ज़रूरत है। अच्छे लोगों से बात कीजिए, अच्छे लोगों के साथ मिलिए, उनके साथ बैठिए उठिए, अपने आप को खुश रखिए। दूसरे लोगों से अगर आप अपने आप को खुश रखते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, तो दूसरे लोग भी आपको खुश लगेंगे, आप काफ़ी एनर्जेटिक अपने आप को महसूस करेंगे, और आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा जा सकता है, काफ़ी सक्सेस जा सकता है, काफ़ी चीयरफुल जा सकता है। तो थोड़ा सा बस आपको ओवर ड्रिंक करने से बचना होगा, और अपने आप को हर वक्त खुश रखने की ज़रूरत है। तो अगर आप अपने आप को खुश रखते हैं तो दूसरे लोगों को भी, सामने वाले को भी आप खुशी खुशी महसूस कर सकते हैं, या खुश लग सक खुशी खुशी पा सकते हैं उन लोगों को भी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये गाइडेंस के लिए आया है। तो किसी चीज़ में भी आप जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा सा रुकिए, ठहरिए, सोचिए, समझिए, तैस में आकर कोई भी काम मत कीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया काम खुद को भी चोट पहुंचाता है और सामने वाले को भी चोट पहुंचा सकता है। तो तैस में मत आइए, थोड़ा सा रुक कर सोच समझ कर डिसीजन लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर सामने वाला कोई जल्दबाजी करता है आपके साथ, तो उसको भी आपको रुकने की सलाह देने की ज़रूरत है, कि उसको भी आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि रुक कर सोच समझ कर ठहर कर सहज रह कर इस काम को करते हैं, तो वो काम आपके फेवर में जा सकता है, वो काफ़ी खुशियां आपको दे सकता है, आपका रिजल्ट आपके फेवर में जा सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है। और अगर जल्दबाजी में आप काम करते हैं तो बने बनाए काम को आप बिगाड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा जल्दबाजी में काम मत कीजिए, तहस में काम मत कीजिए, सोचिए, समझिए और उस पर फोकस कीजिए, तभी आपको लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, या जो आपका अगले सप्ताह की जो एनर्जी है उसमें सोच समझ कर आपको आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप सोच समझ कर, सोच विचार कर उस काम में आप डालेंगे, तो अगला सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा जा सकता है, काफ़ी इन द फ्यूचर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने में हेल्प मिलती है। तो प्लीज़ अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिए, वैसे भी मेरा चैनल नया है तो मुझे आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिए, और अच्छे से कमेंट्स बनाए दीजिए, और खूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, नमस्ते, थैंक यू।